तो भोपाल नहीं जाती। देखिए बैटरी लेके रखी है इसने, बहुत सारी चीजें बनाता रहता है इसने। शांत हो जाओ WWE। तो ये रहे मौसी के दोनों नमूने। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका हूँ नानी के गांव, और नानी के गांव में दोस्तों आज आई है हमारी मौसी, यानी मेरी मौसी। और देखिए मौसी की ये है लड़की, मेरी बहन। और ये दोस्तों ये है मौसी का लड़का, और वो देखिए वो बैठी है हमारी मौसी। और आज नानी काफी ज्यादा खुश है, देखिए क्योंकि पूड़ी भी खा रही है। तो ये रहे मौसी के दोनों नमूने, और ये रहते हैं पीथमपुर में। कम से कम ये 6-7 महीने बाद वापस गाँव आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा खुश है दोस्तों। नैन्सी तो दोस्तों जब से आई है तब से बछिया के पीछे पड़ी हुई है, उसको काफी अच्छा लग रहा है। बछिया बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बेटी आई है और हमारा नाती भी आ गया है, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। तो दोस्तों नानी को तो एक बच्चा मिल गया छोटा सा खेलने को। हम तो दोस्तों देखिए बड़े बड़े हो गए, पहले छोटे थे तो नानी हमको खिलाती थी, लेकिन अब हम बहुत बड़े बड़े हो गए। लेकिन देखिए फाइनली नानी की नाती ना चुकी है, छोटी सी, सबसे छोटी है दोस्तों, घर की सबसे लाडली है ये। अभी तो मैं आ चुका हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मम्मी भी आने वाली है, और उनने बोला था कि बिल्ले को भी लेके आएगी, तो देखते हैं अभी लेके आती है कि नहीं आती। और ये देखिए शाम हो चुकी है, तो करीब ये 3-4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो देखिए मैं साइकिल से आया हूँ यहाँ पर, अब फिलहाल मेरा रोज का आना जाना हो चुका है साइकिल से आने का। दूध लेने में आता हूँ यहाँ पर गाय का। बैंगन को बैंगन पसंद है सब्जेक्ट में। गैया आ चुकी है हमारी चर कर, अभी शाम को आएंगे लल्लू जी दूध लगाएंगे, रोज इसको नाना चराने लेके जाते हैं। अच्छा तो ये फूल लगा दिया इसमें, उगेगा ये? पानी देती हो रोज? तो गाय देखिए हमारी कितनी ज्यादा सीधी है, बच्चा भी इसको देखिए इसके थन को छू लेता है। ये बहुत बड़ा फोन एडिक्ट है। शांत हो जाओ WWE। पहले मेरे को WWE का मंच लगाने दो। नैन्सी ने अंशुल को खूब मारा। अरे किस्तों में लड़ लेना, किस्तों में। अब हम आपको मेकअप किट दिखाएंगे, मेरे पास कितना मेकअप है। तो ये मेकअप किट कहाँ खरीदी थी तुमने? अरे पहले तो मैं ये सब जरूरी, ये आईलाइनर, लिपस्टिक, पूरा मेकअप का सामान रखती है। देखिए छोटी सी बच्ची है लेकिन मेकअप अभी से करती है। नहीं मम्मी की टिक्की है, उन्होंने मेरे को अभी दी। मम्मी की चोरी कर ली? एक्सपायरी हो गई है, मैं इसको फेंक दूंगी। अभी तो छोटा सा इसका पर्स है, और ये देखिए पूरा खजाना निकल गया। देखिए छोटी सी बच्ची ने कितने बढ़िया तरीके से संभाल के रखा है ये सब, ये काफी बड़ी बात है। बाप रे बाप, सब एक बार फेंक दे। नैन्सी मुझे लगता है कहीं पर दुकान लगाती है, तभी उसके पास इतना सामान। अंशुल के पास देखते हैं क्या क्या सामान है। ये खुद से बनाया इसने। खुद से बनाया है, क्या बात है। और बैटरी, फिर मोटर, फिर टेप, क्या बात है। देखिए इंजीनियर ये है हमारा ये भाई। फिर ये हैंडमेड आर्म, क्या बोलते हैं, आर्मेचर, तो बहुत दूर से आ गया। और ये कॉपर वायर, इसका क्या यूज करते हो तुम? ये मोटर के अंदर डलता है। इसके ना चार्जर में लगा दो, फिर ये जो दो पिन है ना, इसको किसी भी चीज में टच। अच्छा ये जो एक आता है टेस्टर है, हाँ। टेस्ट करने का कि इसमें बिजली है कि नहीं है। हाँ। फिर एक और मोटर, फिर एक फैंस की जो रहती है पंखुड़ी, फिर ये छोटी प्लास, फिर ये मार्कर, फिर एक और, फिर ये सोलर पैनल, फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल, फिर ये पेंसिल थोड़ा सा इसी के लिए, और ये BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही जुगाड़ू बच्चा है, इसके कारनामे आप देखिए। इसको इंडिया गॉट टैलेंट में बुलाया जाए। ये एक पेन है पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन ये छोटा वाला सही। जल्दी कर, कल सुबह पलवेल निकलना है। अपने इंटरेस्ट की चीजें लेके चलते हैं। ये इसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में, थोड़ा बनाने बनाने में है। और नैन्सी तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में? किचन सेट भी है, ब्यूटी पार्लर का, देखिए सारा सामान लेके चलती है। तो क्या बढ़िया, क्या बढ़िया बात है, सब काम भी करते हैं बहुत सारी चीजें, है ना। तो देखिए बैटरी लेके रखी है इसने, बहुत सारी चीजें बनाता रहता है। इसने काफी सारी चीजें बनाई थी, और एक मोटर भी बनाई थी इसने पानी वाली, अभी तो इसने तोड़ डाली है। फिर बना लेना कभी। तो मैं तो थक गया इनका देखते देखते, मुझे तो लगा था छोटा सा पर्स है, कुछ थोड़ा बहुत सामान निकलेगा, लेकिन ये पर्स मेरे खुद से बनाया। इन्होंने अपने पर्स में इतना सब सामान रख के रखा था, और ये पर्स मैंने खुद से बनाया है, बैटरी नहीं खुद से बनाया। तो फाइनली दोस्तों देखिए मम्मी आ चुकी है। तो देखिए नैन्सी से बहुत दिन बाद मिल रही है मम्मी। वो तो भोपाल नहीं जाती, तभी हालत होती है। अरे बापले भोपाल जाए तो दम दबा। काफी दिन बाद मौसी और भांजी का देखिए मिलन हुआ है। हो गई है, बहुत
पतली हो गई है। वैष्णो के भाई प्यार से मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो और सुबह सुबह देखिए मैं नहा चुका हूँ, बढ़िया रेडी हो चुका हूँ और देखिए नहा धो के बढ़िया चंदन लगा लिया। तो हुआ क्या कि हमारे गांव के पास ही एक जगह है, अगर आपने हमारे ब्लॉग देखे होंगे, झिरिया बोलते हैं उसको, वहीं पर मैं गया था सुबह सुबह। वहाँ से मैं नहा के देखिए रेडी हो चुका हूँ। सुबह सुबह नानी धूप ले रही है, मौसी भी धूप ले रही है और मम्मी अपने काम में लगी हुई है। देखिए वीडियो की तैयारी कर रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है। अब इसका दूध लगाने का टाइम हो चुका है और दूध लगाने वाले अभी आए नहीं है। मम्मी जा रही है वापस मनगमा और मैं भी अभी थोड़ी देर से निकलूंगा खाना पीना खाकर। खाना तेरे लिए बना लूंगी, आएगा? हाँ, आऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ और अभी मनगमा जा रही हूँ, वहाँ पे मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। मम्मी लोग ऑपरेशन कराने जाएंगे, मम्मी ऑपरेशन कराने जाएगी। कंसोल उठ चुका है, कल सफर करके आया था इसलिए काफी देर तक सोया है, आज 8 बजे तक सोया है। नैंसी तो दोस्तों अभी तक नहीं उठी, बछिया तो बेताब है कब से दूध पीने के लिए, नहीं पछड़े को मारती है। तो दूध लगाना देखिए शुरू हो चुका है। कितना है नानी? 6 पाव हुआ है, 6 पाव, 6 पाव। देखिए दोस्तों 6 पाव दूध दिया है गाय ने और ये झाग देखिए प्योरिटी अमृत है दोस्तों। जीजी कह रही है कलयुग का अमृत है आज के जमाने में शुद्ध दूध मिलना, वैसा ही है जैसे कोयले की खदान में हीरा मिलना। तो देखिए दोस्तों नैंसी भी उठ चुकी है, तो आज काफी देर तक सोए हैं दोनों बच्चे क्योंकि कल सफर किया था इन्होंने ट्रेन का 24 घंटे के सफर में। बिल्ला है, बिल्ला जैसे तुम्हारा बिल्ला है हमारा बिल्ला है। तो दोस्तों मैं उठ चुकी हूँ, अब मैंने ये झिरिया के पानी से मुंह धोया, अब मैं मुंह पोछ रही हूँ। मुरझाई हुई फुलझड़ी। कौन है? मुरझाई हुई फुलझड़ी। तो आज नानी जा रही है इसलिए हमको आज खाना बनाना पड़ रहा है। देखिए नैंसी बना रही है, मुझे देखिए बेलते नहीं आता है, रोटी वोटी ये सब काम अपन ने कभी नहीं किया, अपने को सिर्फ सेकना आता है। नैंसी बेलेगी, बेला है नैंसी पहले कभी? बहुत बड़ी बेला, मैंने तो बचपन से ही बेलती हूं। नैंसी ने क्या मस्त जुगाड़ लगाया है, वाह वाह देखिए क्या मस्त जुगाड़ लगाया है बच्ची ने। बेल देखिए क्या मस्त रोटी बनी है, तो खाएगा समोसे के साथ, मैं खाऊंगा भाजी के साथ। और देखिए दोस्तों नानी भी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है जाने के लिए, ने भका भक पेल लिया समोसा और अंशुल ने भी यहाँ पर खाना शुरू कर दिया है। कैसा लगा गांव का समोसा? शहर के समोसे से अच्छा है। तो ऑटो आ चुकी है और नानी आज ऑटो से जा रही है। देखिए वो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, नानी नाना और मम्मी जा रहे हैं। तो दोस्तों नानी तो चली गई है ऑपरेशन करवाने रीवा, अब मैं भी थोड़ी देर बाद निकलता हूँ यहाँ से। घर की दही भाजी नहीं तुझसे नहीं निकलेगा। तो देखिए दोस्तों हमारी गाय ने इस तरीके ये देखिए नैंसी की क्या हालत है। तो चलिए दोस्तों अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। तो उम्मीद है ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और नैंसी तो दोस्तों बोल रही है न मत जा, लेकिन दोस्तों थोड़े काम है, लेकिन नहीं तू अभी कहाँ जाएगी, तेरी मम्मी भी तो है, लेकिन अभी थोड़े काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।